एमपी राजस्थान के बाद अब पंजाब कांग्रेस में भी कला की खबर सामने आ रही है। पंजाब की सत्ता में राजस्थान जैसी सियासी उथल पुथल शुरू हो सकती है। खबरों के मुताबिक पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रताप बाजवा पंजाब में कांग्रेस के लिए सचिन पायलट साबित हो सकते हैं। पंजाब कांग्रेस में इसके लिए जंग छिड़ गई है। पार्टी नेताओं ने मांग की है कि पूर्व प्रदेश प्रधान प्रताप बाजवा और शमशेर सिंह दुलो को पार्टी से निकाला जाए। पार्टी नेताओं का आरोप है कि बाजवा और दुलो दोनों केंद्र की बीजेपी सरकार और सहयोगी शिरोमणि अकाली दल के जरिए पंजाब में कांग्रेस सरकार के बर्खास्तगी का माहौल बनाने की साजिश रच रही है। इससे पहले प्रताप बाजवा और शमशेर दुलो के जहरीली शराब कांड को लेकर राज्यपाल से मिलने की घटना को प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने सूबे में राजस्थान जैसा माहौल रचने की साजिश करार दिया था। जाखड़ का कहना था कि दोनों सांसदों द्वारा अपनी सरकार पर किया हमला राजस्थान के घटनाक्रम की पुनरावृत्ति है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में ऐसा ही हुआ था जब 107 बच्चों की मौत होने पर सचिन पायलट ने अपनी सरकार की आलोचना की थी। जाखड़ ने कहा कि अगर उस समय पायलट के खिलाफ कार्रवाई की गई होती तो कांग्रेस राजस्थान में पैदा हुई मौजूदा स्थिति से बच सकती थी। सुनील जाखड़ का सोनिया गांधी को लिखा पत्र भी हाईकमान तक पहुंच गया और पंजाब में पार्टी ने सबसे पहली मुहिम भाजपा और दुलो के खिलाफ ही शुरू करते हुए कैबिनेट मंत्रियों का एक साझा बयान जारी कराया है जिसमें दोनों को पार्टी से निकालने की मांग उठी है। दरअसल मामला यह है कि पंजाब में जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो गई थी जिसको लेकर भाजपा ने अपनी सरकार पर निशाना साधा था और राज्यपाल से मुलाकात भी की थी। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब पंजाब में अकाली दल के मिलीभगत से हो रहा है। हालांकि पंजाब में कांग्रेस में इससे पहले भी मतभेद की खबर सामने आई थी जब सीएम कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू में तनातनी हो गई थी। बाद में सिद्धू को कैबिनेट मंत्री के पद से हटा दिया गया। वहीं बीते दिनों सिद्धू की पत्नी ने ये बयान दिया कि बीजेपी अकाली दल से अलग हो जाए तो वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और दूसरी तरफ अब बाजवा भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। देखना होगा अगले कुछ दिनों में पंजाब में सियासत किस ओर करवट लेती है। बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन है। राजनीतिक दलों की तैयारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी ने तो पहले ही बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया था। उसके बाद आरजेडी सहित तमाम दल बिहार चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं और अब देर से ही सही लेकिन कांग्रेस भी बिहार चुनाव के लिए नींद से जाग गई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य इकाई के नेताओं के साथ बैठक की है। चौंकाने वाली बात यह है कि जहां बीजेपी ने राज्य के लिए जोर शोर से वर्चुअल रैली की थी वहीं राहुल गांधी की रैली काफी शांत ढंग से हुई। पार्टी के कार्यकर्ता भी उत्साहित नहीं थे। हालांकि बिहार कांग्रेस के नेताओं ने राहुल के इस कैंपेन पर नाराजगी जताई है। पार्टी नेताओं ने कहा कि संगठनात्मक ढांचे के अभाव में बिहार में चुनावी लड़ाई की तैयारी में बहुत देर हो चुकी है। बैठक के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री तारिक अनवर उन नेताओं में से थे जिन्होंने कहा कि अप्रैल मई 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को तैयारियां करनी शुरू कर देनी चाहिए थी। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के नेताओं ने बताया कि राज्य में कांग्रेस का संगठनात्मक ढांचा कमजोर है। राज्य के नेताओं ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। कांग्रेस की इस रैली में सबसे मजेदार वाकया उस वक्त आया जब राहुल देश में कोरोना पर चर्चा कर रहे थे। इस दौरान अचानक ही कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के कोरोना महामारी से लड़ने के प्रयासों की तारीफ कर दी। हालांकि बिहार में राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं में जान फूंकने की कोशिश जरूर की है लेकिन नेताओं ने पहले ही हार मान ली है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के बीच अब तक इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं हुई कि बिहार में चुनाव कांग्रेस महागठबंधन के साथ लड़ेगी या अकेली एनडीए का सामना करेगी। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत केस में हर दिन नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र की पुलिस आमने सामने है। महाराष्ट्र पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। वहीं बिहार पुलिस जब मुंबई पहुंची तो उसे भी जांच करने से रोक दिया गया। सबसे बड़ी बात बिहार पुलिस के आला अधिकारी विनय तिवारी को बीएमसी और मुंबई पुलिस ने मिलकर क्वारंटीन कर दिया था जिसके बाद विनय तिवारी को पटना वापस भेज दिया गया है। मामला इतना बढ़ गया कि बिहार सरकार महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार आमने सामने आ गई। बिहार सरकार की सिफारिश पर अब केस सीबीआई के हवाले है और जांच भी शुरू हो गई है। हालांकि सीएम उद्धव ठाकरे को सीबीआई की जांच पसंद नहीं आ रही है क्योंकि सवाल उनके बेटे आदित्य ठाकरे का है। अब इस केस के तार आदित्य ठाकरे से भी जुड़ते हुए दिख रहे हैं।
आरोप लग रहे हैं कि इसी वजह से बिहार से मुंबई पहुंची बिहार पुलिस को जांच से रोका जा रहा था और मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिल रहा था, क्योंकि मुंबई पुलिस पर जांच नहीं करने का दबाव बनाया गया था। लेकिन इस केस में बिहार पुलिस को कुछ अहम सुराग हाथ लगे हैं जो अब तक मुंबई पुलिस को नहीं मिला था। इस बीच बिहार पुलिस ने फिर दावा करते हुए रिया पर आरोप लगाया कि कुछ दिनों से रिया सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज देती थी। इतना ही नहीं, पुलिस का कहना है कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की जिंदगी में जहर घोल रखा था, उनके परिवार से उन्हें दूर कर रखा था। पुलिस के इस खुलासे को जानकर हर कोई हैरान है। रिया पर आरोप लगाने के बाद बिहार पुलिस ने मुंबई पुलिस को आड़े हाथों लिया है। पुलिस अपना हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करते हुए ये भी कहा है कि मुंबई पुलिस से किसी तरह की मदद न मिलने के बावजूद उन्हें इस केस में कई ऐसी चीजें मिली हैं जिन पर जांच की जा सकती है। उधर पटना लौटे आईपीएस अधिकारी विनय तिवारी ने केस को लेकर कुछ अहम दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि मामले का सच सामने लाने में सुशांत के स्टाफ के 4 सदस्य प्रमुख कड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा आईपीएस विनय तिवारी ने मुंबई पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सुशांत केस में सच छुपाया जा रहा है। आईपीएस तिवारी के खुलासे के बाद उद्धव सरकार सवालों के घेरे में है। हालांकि अब मामला सीबीआई के हवाले है। वहीं ईडी और सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सुशांत के पिता, उनके फैंस और बॉलीवुड के कुछ लोगों को भी भरोसा है कि सीबीआई निश्चित तौर पर इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। चीन पर कांग्रेस लगातार देश विरोधी बयान देती रहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की चीन पर बयानबाजी को लेकर विपक्ष के नेताओं ने भी हैरानी जताई थी और उनको राष्ट्र के मुद्दों पर राजनीति नहीं करने की सलाह दी थी। इन सब के इतर जब बीजेपी ने चीन पर कांग्रेस को घेरना शुरू किया तो कांग्रेस के कई काले कारनामे सामने आ गए, जिसके बाद देश में हाहाकार मच गया। राजीव गांधी फाउंडेशन के नाम पर चीन से डोनेशन लेने के अलावा ऐसे कई आरोप थे जिस पर कांग्रेस को जवाब देना भी नहीं बन रहा था। अब एक बार फिर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पीआईएल पर सुप्रीम कोर्ट की कुछ टिप्पणियों के हवाले से कांग्रेस पर हमला बोला है। 2008 में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के बीच साइन हुए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को लेकर नड्डा ने ट्वीट किया कि इससे सुप्रीम कोर्ट तक हैरान है। बीजेपी अध्यक्ष ने लिखा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी और चीनी सरकार के बीच हुए समझौते से हैरान है। दस्तखत करने वाले श्रीमती गांधी और उनके बेटे को स्पष्टीकरण देना चाहिए। क्या इसकी वजह से राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन मिला और बदले में चीन के लिए भारतीय बाजार को खोला गया, जिससे भारतीय कारोबार प्रभावित हुआ? कांग्रेस और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच 2008 में हुए कथित समझौते की एनआईए से जांच की मांग वाली जनहित याचिका को स्वीकार करने से सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इनकार कर दिया। हालांकि जब याचिकाकर्ता के वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि ये इस देश की एक पार्टी की दूसरे देश की इकलौती पार्टी के साथ करार है और ये मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने समझौते पर हैरानी जताई। कोर्ट ने कहा कि हमारे सीमित अनुभव में हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि किसी राजनीतिक दल ने किसी दूसरे देश के साथ समझौता किया हो। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी से सवाल किए हैं। हालांकि अभी तक मामले को लेकर कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन एक बार फिर नड्डा ने कांग्रेस की मौज ले ली है। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में उधर सरकार, मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। सुसाइड के इतने दिनों के बाद भी मुंबई पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। सुशांत की मौत के बाद से आरोप लग रहे थे कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या है। इस मामले में कई लोगों ने खुलकर ये बात कही। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत शुरू से ही कहती आ रही है कि सुशांत की हत्या हुई है। हालांकि ये बात मानने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे और उनकी पुलिस तैयार ही नहीं। इसके अलावा सीएम उद्धव ठाकरे मामले को सीबीआई के हवाले सौंपने को भी तैयार नहीं थे। अब बीजेपी नेता नीलेश राणे ने कहा है कि मुंबई पुलिस आदित्य ठाकरे को बचा रही है, सीबीआई जांच के बाद सच सामने आ जाएगा। नीलेश राणे ने कहा है कि सुशांत मामले में सबूत छिपाने की कोशिश की जा रही है। मामले में आदित्य ठाकरे कहीं न कहीं शामिल हैं, इसीलिए 30 दिन से केस को ढकने का काम हो रहा है। जांच किस दिशा में हो रही है पता ही नहीं चल रहा है। राज्य सरकार मुंबई पुलिस पर दबाव बना रही है। नीलेश ने आगे कहा कि डीनो मोरिया, आदित्य ठाकरे ये सब अक्सर पार्टी करते थे। उन्होंने साफ कहा कि इस पूरे मामले में आदित्य ठाकरे शामिल हैं। हालांकि आदित्य ठाकरे को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी सवाल उठाए थे और ट्विटर पर सीएम ठाकरे और शिवसेना से कई सवाल पूछे थे, लेकिन शिवसेना की तरफ से इसका जवाब नहीं आया। इससे पहले नीलेश राणे के पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे ने
दिशा सालियान को लेकर कहा था कि उनके साथ बलात्कार हुआ और फिर हत्या कर दी गई थी। दरअसल सुशांत की मौत के कुछ दिन पहले दिशा ने आत्महत्या कर ली थी। इस केस की जांच होने से पहले ही फाइल बंद कर दी गई थी, जिसके बाद मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि अब मामले की जांच सीबीआई कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर इस हाई प्रोफाइल मामले में कौन कौन शामिल था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।